हाय फ्रेंड, वेलकम यशी पोएट्री ऑफिशियल। मैं आज आप लोगों को अपने खुद के ऊपर एक बेटी होने का, एक बेटी होने का दर्द, एक बेटी होने की मनोभावना व्यक्त करूंगी। सो गाइस, प्लीज़ समझिएगा, और मेरी कविता पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मुझे पता है कितने लोगों को अच्छा लगा या नहीं लगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो गाइस, मैं बताना चाहूँगी, बेटी बनकर आई हूँ माँ बाप के जीवन में, बेटी बनकर आई हूँ माँ बाप के जीवन में, बसेरा होगा कल मेरा किसी और के आंगन में। बेटी बनकर आई हूँ माँ बाप के जीवन में, बसेरा होगा कल मेरा किसी और के आंगन में। हाँ दोस्तों, बसेरा होगा कल मेरा किसी और के आंगन में। क्या ये रीत रब ने बनाई है? बताइए दोस्तों, आप सभी जो हमसे बड़े हैं, छोटे हैं, भाई बहन हैं, माँ बाप समान हैं, क्या बताइए, क्या ये रीत रब ने बनाई है? कहते हैं सब आज नहीं तो कल तू पराई होगी, कहते हैं सब आज नहीं तो कल तू पराई होगी, देके जन्म पाल पोस कर जिसने हमें बड़ा किया, और वक्त आया तो उन्हीं हाथों ने हमें विदा किया। बेटी बनकर आई हूँ माँ बाप के जीवन में और वक्त आया तो उन्हीं हाथों ने हमें विदा किया। टूट कर बिखर जाती है हमारी ज़िंदगी वहीं, पर फिर भी सोचिएगा, टूट कर बिखर जाती है हमारी ज़िंदगी वहीं, पर फिर भी उस बंधन में प्यार मिले यह ज़रूरी तो नहीं ना, पर फिर भी उस बंधन में प्यार मिले ये ज़रूरी तो नहीं ना, क्यों रिश्ता हमारा इतना अजीब होता है। हाँ दोस्तों, रिश्ता हमारा इतना अजीब होता है, क्यों रिश्ता हमारा इतना अजीब होता है, आप सब खुद बताइए, क्या बस यही बेटियों का नसीब होता है? बेटी बनकर आई हूँ माँ बाप के जीवन में, बेटी बनकर आई हूँ माँ बाप के जीवन में, बसेरा होगा कल मेरा किसी और के आंगन में। क्या बस यही बेटियों का नसीब होता है? प्लीज़, हम भी बेटियां हैं, हमारे भी अरमान हैं, आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए कुछ जज्बा, कुछ जुनून है। क्या पराया होना ही बेटियों की झोली में ही लिखा है? गाइस, हम क्यों नहीं माँ बाप के घर रहकर कुछ बनकर, अपने पैरों पर खड़े होकर उनके सहारे क्यों नहीं बन सकते? फिर पराया होना क्यों कहा जाता है? शादी होना लाजमी होता है, हर किसी की होती है, क्योंकि माँ बाप का करते हैं, हर लड़की की शादी करते हैं, हर लड़कों की शादी होती है। तो क्या शादी के बाद लड़कियों को पराया कह देना ये वाजिब है, ये सही है? क्यों हम लड़कियों को ही पराया कहा जाता है? हमारा वो अपना घर नहीं है जो हमारे माँ बाप के हैं?
भाई का अपना घर होता है तो हमारा अपना क्यों नहीं है। घर से आई है शादी के पहले, कहते हैं तू पराई है, पराए घर की है, पराए घर चली जाएगी। शादी के बाद ससुराल वाले कहते हैं पराए घर से आई है, तो हमारी झोली में ही परायापन क्यों आता है, सोचिएगा ज़रूर। उम्मीद है कि आप सोचेंगे और इस कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू गाइस।